इसकी शेप भी बदलती गई, लेकिन आज हम इसी ऐतिहासिक फैन की खोज शुरू करने जा रहे हैं। कासुखावे के कुछ बच्चे जिनमें शामिल हैं कसावा, शिनचैन, डैनी हुआ है। कमांडर का फैन जो हर लड़ाई जीतता है। क्या कमांडर का फैन लड़ाई भी करता है? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा इसमें शिनचैन। ठीक है तो जल्दी मिशन शुरू करते हैं। शिनचैन तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ, वो बात दरअसल ये है कि रुक जाओ मिसी, देखो बारे में बात नहीं कर सकते। मुझे कोई बात नहीं करनी है। शिनचैन को ये फैन इसलिए चाहिए ताकि वो अपने मॉम डैड की मदद कर सके। नैनी तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? क्या मैं खुश नजर आ रही हूँ? तुम दोनों को ये पता है ना कि इस मिशन में हम सब साथ में हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तुम शायद भूल रहे हो हम यहाँ किसी मिशन पर आए हैं, तो हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, समझे? हाँ समझ गया। तो कासुखा बेकरो, क्या तुम मिशन के लिए तैयार हो? तो दोस्तों हम ढूंढने जा रहे हैं कमांडर का फैन जो कि कहीं खो गया है, तो चलो। ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? ये तो देखने में भी काफी अजीब लग रही है। सुना या से सुना पैलेस के अंदर हो। अरे ये क्या हुआ, हमें तो बाहर तक ही पहुंचना था, हम अंदर कैसे आ गए समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम है शिनचैन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माता भी है और ये पैलेस इन्हीं का है। ये है या से सुना की राजकुमारी और इनका नाम है और इंसान। मेरा नाम जरूरत नहीं है। अरे शिनचैन तुम बोल रहे, हम सीक्रेट मिशन पे हैं, तुम यहाँ किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करें? तुम भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसे भूल गए कि हम पांचों एक साथ मिशन पर आए हैं? मेरा नाम नैनी है, मैं हूँ बताओ। ये बच्चे कौन है और इन्होंने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? दरअसल ये सब इनको देखकर आप बैठ क्यों गए? क्योंकि ये यहाँ के राजा हैं और उनके साथ है ओरेन की मॉम जो कि यहाँ की रानी है। तुम लोग भी मेरी तरह चुप जाओ। अरे ओरेन सान, तुम फिर से बिना चप्पल पहने बाहर आ गए। तो तुम लोगों को इस जगह की तलाश है जी। कमांडर का फैन जो दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है जी। वो बात ऐसी है कि हम सारे यहाँ सच्चाई जानने के लिए आए हैं। मैं समझ गया, अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। समझ नहीं आ रहा कि राजा मुझे तुम लोगों के साथ क्यों भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप हमारे साथ रहकर कुछ सीख पाएं, ये जरूरी है ना? ये क्या कह रहे हो शिनचैन? शिनचैन तुमने क्या कहा? हम तुम लोगों के लिए सामान लाए हैं। ये लोग कौन है? जिन्हें मोन और ओसादो, ये दोनों मेरे डैड के लिए काम करते हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तुम्हारे लिए है प्यारी सी बच्ची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रहा तुम्हारे लिए। ये दो, मैं तैयार हूँ। अब हम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? तुम लोग तैयार हो ना? लेकिन तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। मैंने माँ और पिताजी से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम इनकी मदद कर सकती हैं। चलो ठीक है। ये देखने से तो बहुत ज्यादा समझदार और अच्छा लगता है। बसाओ जल्दी करो, खड़े मत रहो। आया शिनचैन, तुम बताओगे कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो? आपका मतलब कहाँ से आए हैं? हाँ यही तो पूछा कि कहाँ से आए हो। ये जो कपड़े तुमने पहने हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास।
लक्ष्मी पार करनी होगी। और नहीं तो क्या, भूल गए हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं और ये सब हमारे एक मिशन का हिस्सा है। पता नहीं क्यों भूल जाते हो तुम। बिसाओ यहाँ की चिड़िया बहुत घनी है ना। नानी सोचो अगर यहाँ कोई मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से मुझे कौन बताएगा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और साथ में ये भी कि आखिरकार ये मिशन क्या होता है। मिशन के बारे में इन्हें कैसे पता, हम कुछ नहीं बताएंगे। लगता है मुझे तुम्हें अलग ले जाकर आराम से समझाना पड़ेगा। तुम सब जल्दी करो मेरे पीछे आओ। ये जरूर किसी कीमती चीज का नक्शा होगा। तुम बहुत दिनों से बोर हो रहे थे ना। कसामा तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमारा मैप उनके पास है, हमें वापस लाना होगा। बसाओ मैप वापस लेकर आओ। अरे मैं अकेले कैसे रहूं? रहने दो दोस्तों, हम तीनों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ हमें जाना है उस जगह का पूरा मैप मेरे दिमाग में है।
जो भी इसे हिलाएगा उसे भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसे हिलाने वाले को चोट भी लग सकती है। क्या भारी सजा? चोट भी लग सकती है, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना। पकड़ो ले, नजारा सिर्फ हमारा है। चोट लगने वाली बात तो सच निकली। बहुत भारी सजा है। इसके अंदर कुछ है? हाँ, यही है वो। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। इसे मेरे हवाले कर दो। अरे मुझे वापस क्यों दे रहे हो? अभी इसे खोल कर देखता हूँ कि इसके अंदर कंचन है भी या नहीं। इधर लाओ इसे। ये बच्चों के लिए नहीं है। कजामा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं शिनचान। तो आखिर ये मुझे मिल गया, लगता है अब आएगा मजा। तुम लोगों का शुक्रिया। तुम्हें पता नहीं है मैं इसे कितने सालों से ढूंढ रहा था और तुम्हारी वजह से मुझे ये मिल गया। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को इसका असली कमाल। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। इसने कहा दिखाया। लगता है तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए हो। तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? ये हमें ये मिल गया, मैं इसे कितने साल से ढूंढ रहा था। कभी कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नोट के फटे हुए हिस्से में ये लिखा हो कि इस बैग की मदद से दुश्मन आपस में दोस्त बन जाएंगे। लगता तो ऐसा ही है। कौन से काम करते हैं आप? धीरे से आप इस्तेमाल करना और धीरे से मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मेरा है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इन तीनों की तलाश गाँव वालों को बहुत दिनों से थी। इन्हें पकड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे तुम पर नाज है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शिनचान और उसके दोस्तों ने भी हमारी मदद की। पूरन, तुम बिना बताए गए ये गलत बात है, लेकिन फिर भी बच्चों को इनाम तो मिलना चाहिए। अरे भाई, इनाम मतलब हमें कैंडी मिलेगी। कोई बताएगा कि कैंडी होती क्या है? ये देखो जरा, ये आप क्या कर रहे हैं? देखो, मुझे ये फैन बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने ले लिया। आप बिना मॉम डैड का कुछ भी नहीं हो सकता। आंटी अंकल ने तो हिस्ट्री ही बदल दी। इस फैन का तो इन पर कोई असर ही नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कजामा। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई भी फैन मॉम और डैड को दोस्त बना सकता है। शायद तुम सही कह रहे हो। इसका इस्तेमाल मजाबी और रेंदे में किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है कमांडर के इस फैन का असर समय आपकी बात नहीं सुनने वाली। बड़ा मुश्किल है ये तो करना। मैं शिनचैन को क्या कहूंगा अब?
मैजिक की प्रैक्टिस करता था और लोग मुझे इसका एक्सपर्ट कहते थे। ये बात तो सुनी सी लगती है मुझे। ये देखिए, विसन वाला बताइए ना, आपको मेरी लैंडिंग कैसी लगी? मानना पड़ेगा तुमने तो वाकई कमाल कर दिया जानरू। लेकिन ये मैंने एक दिन में नहीं सीखा, इसका एक्सपर्ट बनने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। काश मैंने भी इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती बीच बीच में। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ काम में, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो जानरू बस। प्लीज मेरी बात मान जाओ ना जानरू, मदद कर दो। अब आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। थैंक यू जानरू। आज तो मार्केट से सामान लाने में काफी देर हो गई। मैं तो ये तो मिस्टर नुहारा लगते हैं। ठीक है मिस्टर नुहारा, तो जैसे मैं कहूँ वैसे करिएगा। बिल्कुल, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अरे जो चाहिए मांग लो, अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा ना, ये तो आपस की बात है। ठीक है। वैसे हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। बहुत ज्यादा दिनों के बाद मिल सी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यानरू से ऐसे पार्क में मिलूंगा। वैसे डाडा पार्क में क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं बेटा, बस शिनचैन को मत बताना कि तुम मेरी मदद करने वाले हो। चिंता मत कीजिए, किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है मिस्टर नुहारा बाहर है ना? हाँ। आजकल मिस्टर नुहारा थोड़े बदले बदले लग रहे हैं ना? है? नहीं तो कोई बात है क्या? नहीं मैं तो बस लेकिन चलती हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हैं, थोड़ा दम लगाइए, ऐसे करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ये बात पता है मुझे पर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा जानरू। अच्छा ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ। चलिए फिर से कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है फिर से करते हैं एक बार यानरो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मिस्टर द्वारा मैं कल फिर आऊँगा। ठीक है। मिसेस द्वारा क्या कल आप मेरे लिए कढ़ाई पनीर बना सकती है? बहुत दिन हो गए मैंने खाया नहीं है। ठीक है तो कल मिलता हूँ, बाय। अरे ये क्या बात हुई, ये कल फिर हमारे घर आएगा क्या? कभी कभी तो ठीक है लेकिन रोज किसी के घर आना अच्छी बात नहीं है। हैरी आप चुप क्यों हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज बहुत गर्मी है मित्र जी। देखिए हैरी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो ना। वो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर ये रोजाना इसी तरह हमारे घर आता रहा तो एक महीने का खाना हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अच्छा? और इस तरह पूरे महीने का बजट जाएगा। मैं समझ गया तुम्हारी बात, और ये सब आपकी वजह से होगा। हम कुछ कर लेंगे इस बारे में। फंस गया मैं तो, अगर फ्रंट रोटेशन जल्दी से नहीं सीखी तो मुसीबत में आ जाऊंगा मैं।